ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा था। एसीबी की कार्रवाई के बाद सरकार ने गीता पटेल को उनके पद से हटा दिया। नए सिरे से चुनाव की तैयारी की, लेकिन गीता पटेल ने चुनाव के खिलाफ राज्य सहकारी अधिकरण में याचिका दाखिल कर दी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। गीता पटेल का कहना है कि उन पर लगा आरोप गलत है। आपको बता दें कि डॉक्टर पटेल को डेयरी का अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी ने समर्थन दिया था। डेयरी बोर्ड में बीजेपी का बहुमत है और चुनाव प्रक्रिया और एसीबी कार्रवाई को चुनौती देने वाली उदयपुर डेयरी संघ की पूर्व अध्यक्ष गीता पटेल ने बात की हमारे संवाददाता से। में सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है, मुझे मेरा पक्ष सुने बिना ही उन्होंने उदयपुर डेयरी के अध्यक्ष पद और संचालक मंडल सदस्य पद से मुझे हटा दिया है। वैसे आज दिन तक ऐसा कभी भी किसी भी सेक्टर में किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होगा जैसा कि उन्होंने पहली बार सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है। चुनाव की कार्रवाई उदयपुर डेयरी के अध्यक्ष और संचालक मंडल सदस्य की चुनाव की कार्रवाई भी प्रारंभ करने जा रहे थे। जैसे मुझे पता चला तो मैं राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण में गई और वहां पर मैंने ये प्रार्थना पत्र लगाया कि जिस तरीके से मेरे को उन्होंने हटाया है जो वो भी जस्टिफाइड नहीं है और आगे चुनाव की कार्रवाई करे तो उसमें माननीय न्यायालय ने मेरी बात को सुना और उस पर स्थगन आदेश दिया है। जब तक कि अग्रिम सुनवाई तक अध्यक्ष पद और संचालक मंडल सदस्य उदयपुर डेयरी के पे चुनाव नहीं हो सकते हैं। सारे फैक्ट्स आने के बाद में भी एसीडी विभाग ने भी खुद ने ये महसूस कर लिया है कि ये फॉल्स स्टेपिंग हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में मुझे निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, परंतु यहाँ सरकार की जिस तरह की कार्रवाई रही है सत्ता पक्ष की वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हम का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का पहला केस होगा जिसमें कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को सिर्फ एफआईआर के बेसिस पर उनको पद से हटाया गया है।